आज हम सैमसंग स्मार्ट ओवन के अंदर में इडली बनाने जा रहे हैं। ये इडली हम थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनाएंगे, जिसके अंदर में हम प्लेन इडली, कॉर्न इडली और वेजिटेबल इडली बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के डिमांड्स के ऊपर में अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाती हूँ। आई होप कि मेरी सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इडली का घोल लिया है, जिसके अंदर में 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल है। ये हमने रात को सोख करके इसका घोल रेडी कर लिया है। हमारे वेजिटेबल्स है गाजर, पत्ता गोभी और ये कद्दूकस किया हुआ कॉर्न, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। और हमारा कंटेनर माइक्रोवेव सेफ पॉट, इसके अंदर है माइक्रोवेव सेफ सांचा। ये हमारे आज के कंटेनर पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम घोल रेडी कर लेते हैं। ये हमारा इडली का बैटर है। ये देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको हम हल्का सा पानी डाल के इसको हम पतला करेंगे। पतला करने के बाद में हम इसके अंदर में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट। फिर इसके अंदर में हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे हम प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बहुत ना पतला गाढ़ा है और ये हल्का पतला ही है, क्योंकि इडली को हम जब घोलते हैं तो उसको हल्का पतला ही रखना पड़ता है हमें। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा बना लेंगे तो इसके अंदर में ये प्रॉपर बनेगा नहीं। अब ये देखिए, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम हल्का सा पानी डाल देते हैं। बहुत पानी नहीं डालना है आपको, ये देखिए बस इतना ही पानी, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये पानी डाल दिया, उसके बाद ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हम हल्के से ऑयल के साथ ग्रीसिंग कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल डाल देते हैं इसके अंदर में, ऑयल डाल के हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। इसी तेल से हमने चारों तरफ से ग्रीसिंग कर लिया। ग्रीसिंग करके हम इसके अंदर में अब ये घोल डालेंगे। अब पहली जो हम बना रहे हैं वो प्लेन इडली बना रहे हैं। प्लेन इडली को हमने ऊपर तक भर लिया है। अब सेकेंड इडली जो बना रहे हैं हम वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं, तो हम पहली इडली में जो है गाजर डाल रहे हैं और गाजर के ऊपर में थोड़ा सा और घोल डाल के इसको सेटल करेंगे। उसके बाद हम दूसरी इडली बना रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग पत्ता गोभी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम ये सारी पत्ता गोभी स्टीम करके डाल देते हैं। अब हम हमारा तीसरी वाली जो है, जिसके अंदर हम भुट्टा डालने वाले हैं, कॉर्न्स। अब ये हम इसके ऊपर में ये कद्दूकस किया हुआ भुट्टा है वो हम डाल रहे हैं। ये कद्दूकस किया हुआ कॉर्न डाल दिया हमने, इसके अंदर रख दिया। अंदर रख के हम इसे ढक्कन लगा देते हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव मोड के ऊपर में, हमारे सैमसंग स्मार्ट ओवन में इसे माइक्रोवेव मोड पे हम पकाएंगे। तो इसे कंटेनर को अंदर रख दिया। अब हमने माइक्रोवेव का बटन प्रेस किया, 900 पावर लेवल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हमने इसको 3 मिनट का टाइम दिया, 3 मिनट्स टाइमिंग एंड स्टार्ट। हमारी 3 मिनट में इडली बनके रेडी हो जाएगी। अब देखिए हमारा ये रेडी हो गया है, हमारी इडली की देखिए अभी मैं ढक्कन खोल रही हूँ आपके सामने, ये देखिए भाप ही भाप और ये पूरी इडली एकदम प्रॉपर तरीके से फूल गई है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले ये इसको बाहर निकालेंगे, इसे बाहर निकाल के रखेंगे। अब देखिए हमारी इडली को हम डीमोल्ड कर रहे हैं। आप इस इडली का ये देखिए हमारी इडली इज़ रेडी। आप इसके अंदर से इसकी जाली देखिए,
एकदम सॉफ्ट स्पंजी जाली बनी है। ये हमारी वेजिटेबल इडलीज़ आर रेडी।